गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रभा, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अभी अराउंड 12:30 बज रहे हैं और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है, तो मैं कर रही हूँ लंच की प्रिपरेशन। तो लंच में बन रहा है कुछ लहसुन के साथ सब्जी, तो मैं लहसुन छीलने का काम कर रही है, देखिए। तो चलिए फिर किचन में चलते हैं लहसुन छीलने के बाद। लौकी फ्राई लहसुन के फ्लेवर के साथ। तो पहले लहसुन का तड़का लगा दिया, फिर लौकी को फ्राई कर रही हूँ उसके साथ। तो कुकिंग चल रही है, लौकी फ्राई हो रहा है लहसुन के साथ। ये देखिए बाजू में, ये देखिए चल रही है। तो कुकिंग को होने दीजिए और मेरा दूसरा काम भी है, तब तक मैं वो निपटा लेती हूँ। क्या काम है, आज आया बिग बास्केट से सामान, तो वो सब फ्रिज में अरेंज कर देती हूँ। तो मैंने सिर्फ लाके यहाँ हॉल में रख दिया है, तो चलिए इसी बीच झटपट अरेंज कर देती हूँ। फिर दूसरे काम भी है, दाल भी बनाना है लौकी के साथ, तो चलिए चलते हॉल में। ये देखिए सामान मैंने हॉल में ही रख दिया है। तो ये राइस का भी पैकेट है और ये इस बैग में सारे ग्रोसरी के आइटम भी हैं। तो चलिए मैंने स्टार्ट कर दिया इन सबको अरेंज करने का। तो सबसे पहले ये अंगूर का पैकेट है, तो इसको अरेंज कर दिया। फिर हमने बहुत सारे एग मंगवाए हैं, 2 पैकेट एग है, ये देखिए। एक्चुअली एग मुझे भी पसंद है और हस्बैंड को भी बहुत पसंद है, तो इसलिए बहुत सारे एग मंगा लिए हैं। तो सब अरेंज कर देती हूँ मैं। और मैंने नूडल्स भी मंगाए बहुत सारे, ये देखिए। तो इन सबको फ्रिज में तो नहीं रख सकते हैं, तो फ़िलहाल मैंने बाजू के टेबल में रख दिया, बाद में कहीं पे अरेंज कर दूँगी। और ये देखिए मस्टर्ड ऑयल, तो इसको भी फ्रिज में नहीं रखने का। तो जो जो फ्रिज में रखने का सामान है उसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ, और जो फ्रिज में रखने का नहीं है तो वो मैं टेबल में रख दे रही हूँ, तो बाद में अपने सही जगह पर रख दूँगी। तो चलिए मेरा सब फ्रिज में अरेंजिंग का काम हो गया है, तो मैं आ गई हूँ किचन में तो बाकी का सामान अरेंज करने के लिए। तो ये शक्कर मंगाए थे 1 kg का, तो शक्कर को मैं उस जार में भर ले रही हूँ, और बाकी का सामान भी अपने अपने जगह पे सेट कर दे रही हूँ। ब्रेकफास्ट तो हो गया था, लेकिन ब्रेकफास्ट के सारे बर्तन अभी भी पड़े हुए थे, तो मैं धो रही हूँ। लेकिन मैं ना विदाउट ग्लव्स बर्तन नहीं धोती हूँ, ग्लव्स पहन के धोती हूँ। और उसका भी रीज़न है क्योंकि मेरे हाथ में ना एलर्जी हो जाती है डिटर्जेंट और ये बर्तन धोने के जो भी साबुन यूज़ करते हैं ना, तो उससे। तो इसीलिए मैं हमेशा ग्लव्स पहन लेती हूँ फिर ही करती हूँ, नहीं तो स्किन में मैंने दाने दाने निकल जाते हैं और स्किन भी निकल जाती है, तो मेरे को उससे बहुत एलर्जी है। तो ये मेरे बर्तन धोने का काम हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि चलिए मेरा ब्लॉग भी यहीं पर एंड कर लेती हूँ। तो यदि आप लोग को यदि अच्छा लगा होगा मेरा छोटा सा ब्लॉग, तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।